नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में, जिसमें मैं आँख और आँख से रिलेटेड सारी बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देती हूँ बहुत ही साधारण भाषा में। अगर आपको किसी भी आँख की बीमारी से संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी हमारी आंख के एक बहुत ही जरूरी पार्ट के बारे में, जरूरी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे कि हम लोग कॉर्निया या फिर पुतली कहते हैं। कॉर्निया या फिर आंख की जो पुतली होती है वो हमारे आंख के सबसे बाहर की परत बनाती है। अगर हम अपनी आंखों को देखें तो जब भी हम खुद को शीशे में देखते हैं तो हमारी आंख में एक काला सा गोला दिखता है। ये गोला ही कॉर्निया, इसको हम लोग अपनी साधारण भाषा में आंख की पुतली कहते हैं। ये जो पुतली होती है इसी के थ्रू ही हमारे जो चारों तरफ की जो रोशनी है वो पास होती है और हमारे पर्दे पे जाके गिरती है। ये कॉर्निया या फिर आंख की पुतली डोम शेप या फिर गुंबद के आकार की होती है और इस घुमावदार आकार के कारण ही जो रोशनी होती है, जो लाइट होती है, वो मुड़ जाती है और हमारे पर्दे पर जाके फोकस हो जाती है। कॉर्निया की जो बाहर की जो परत होती है वो कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है बाहर वातावरण में होने वाली धूल से, बैक्टीरिया से या चोट लगने से। और कॉर्निया जो काला हिस्सा है हमारी आंख का, उसके अलावा जो सफेद हिस्सा होता है वो हमारी आंख के चारों तरफ एक सुरक्षा का खोल बनाती है, सुरक्षा कवच बनाती है, ताकि हमारे आंख के अंदर जो भी हिस्सा है वो बाहर के टॉक्सिन से, बाहर के बैक्टीरिया से, चोट से सबसे बचा रहे। इस वजह से जो कॉर्निया होती है वो हमारी आंख के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो ये नॉर्मली गुंबद के आकार की होती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत बीमारियों में या नॉर्मली भी इसका जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो चेंज हो जाता है। और जब भी ये चेंज होता है तो फिर हमें धुंधला दिखता है। इसी की वजह से हमको चश्मा लगाना पड़ता है, हमको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिगमैटिज्म जैसे रिफ्रैक्टिव एरर हो जाते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज के समय में जिसमें स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसमें मायोपिया नाम का रिफ्रैक्टिव एरर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो हमारी कॉर्निया होती है या जो हमारी पुतली होती है वो 5 परतों से मिलकर बनी होती है और हर परत का अपना एक इम्पोर्टेंट काम होता है। अगर किसी भी एक परत में खराबी आ जाती है तो हमारी देखने की क्षमता में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी कॉर्निया में या पुतली में कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कॉर्निया में कभी घाव हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और इन सब बीमारियों की वजह से हमें आंखों में लाली आ जाती है, दर्द होता है, रोशनी देखने में तकलीफ होती है, हमें धुंधलापन दिखता है, आंख से बहुत ज्यादा पानी आता है। और इन सब के अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पुतली में ज्यादा इन्फेक्शन अगर हो जाए तो बस भी पड़ जाता है। तो अगर आपको इनमें से अपनी आंख में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो जल्दी ही किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, ताकि आपकी आंख में जो भी बीमारी पनप रही है उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। ये तो हमने बात की कि कॉर्निया की बीमारी में लक्षण क्या होते हैं। अब हम बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कॉर्निया में या पुतली में क्या क्या बीमारियां हो सकती है। सबसे पहला होता है वो होता है कॉर्नियल एब्रेशन। जैसे कभी कभी आंख हमारी खाल पर नाखून लग जाता है तो एक घुरच जाता है, या अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, वो अगर हमारी स्किन को खुरच जाता है तो वहां पर एक लकीर बन जाती है, जिसे हम लोग एब्रेशन कहते हैं। ऐसी ही कोई कुछ स्थिति हमारी कॉर्निया में भी हो जाती है। जैसे कभी कभी बच्चों का खेलते हुए आंख में हाथ लग जाता है तो उसकी वजह से जो कॉर्निया की सबसे बाहर की जो परत होती है वो खुरच जाती है, इसे हम लोग कॉर्नियल एब्रेशन बोलते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज को बहुत ज्यादा दर्द होता है, मरीज को रोशनी देखने में तकलीफ होती है, आंख से बहुत ज्यादा पानी आता है, मरीज का आंख खोलने का मन नहीं करता है। तो ये तो हुआ कॉर्नियल एब्रेशन। उसके अलावा अगर आंख में या हमारी पुतली में इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उसे हम लोग कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं।
कॉर्नियल लेंसर वैसा ही है जैसे हमारे शरीर में फोड़े का होगा। तो अगर हमें साधारण भाषा में कहूँ तो पुतली का जो फोड़ा होता है उसे हम लोग कॉर्नियल अल्सर कहते हैं, और ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है हमारी आंख की, क्योंकि ये अपना निशान छोड़ कर जाती है और इसकी वजह से हमको लगभग जीवन पर्यंत या बहुत लंबे समय तक हमें धुंधला दिखता है। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जो कॉर्निया का जो गुंबद वाला जो आकार है वो बदलने लगता है। ऐसी ही एक बीमारी का नाम है केराटोकोनस। केराटोकोनस में नॉर्मली जो हमारी पुतली गुंबद के आकार की होती है वो कोन का आकार लेने लगती है, एक शंकु का आकार लेने लगती है, और इसकी वजह से वो वहां से पतली हो जाती है। और अगर ये लंबे समय तक ये बीमारी रहे तो हमारी पुतली की कुछ परतें फट भी जाती हैं, उसके वजह से मरीज को धुंधला दिखता है। कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो कि उम्र के साथ होते हैं, और कुछ ऐसी पुतली की बीमारियां हैं जो कि जन्मजात होती हैं। जो पुतली की जो बीमारियां जो कि जन्मजात होती हैं उन्हें हम लोग कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी नामक रोग में हमारी पुतली की कोई एक परत प्रभावित होती है। वो परत जो भी होती है पुतली की, बाहरी परत, बीच की परत या अंदरूनी परत, वो सही से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से मरीज को देखने में तकलीफ होती है, पुतली में बार बार दर्द होता है और बार बार घाव बनते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ आपने बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि ये जो पुतली होती है, जो काली पुतली होती है, उसमें किनारे की तरफ एक सफेद घेरा बनने लगता है। एक ऐसा सफेद सा जो घेरा होता है हमारी पुतली में दिखने लगता है और ये देखने में खराब लगता है। इसे हम लोग मेडिकल भाषा में कहते हैं आर्कस सेनाइलिस। इसमें क्या होता है कि मरीज को और कोई तकलीफ नहीं होती है, मरीज की देखने की क्षमता प्रभावित नहीं होती है, लेकिन जब भी आप मरीज की आंख देखते हैं या उस बूढ़े इंसान की आंख देखते हैं तो आपको लगता है कि पुतली के चारों तरफ ही सफेदी जमा हो गई। इसके लिए कोई भी इलाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर का उम्र के साथ का बदलाव होता है। तो ये तो थी जानकारी पुतली के बारे में कि पुतली होती क्या है, पुतली का काम क्या होता है और पुतली की बीमारी क्या क्या होती है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर आपको आंख से संबंधित या पुतली के संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।